की शुरुआत एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दे, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ा फैसला लिया गया, दिल्ली में ऑड इवन भी हटाया गया है। दुकानदारों को लेकर जिस तरह से मांग की जा रही थी, अब बड़ा फैसला डीडीएमए की बैठक में लिया गया। बड़ी जानकारी, वीकेंड कर्फ्यू को हटा दिया गया है अब राजधानी दिल्ली से, तो वहीं बाजारों में ऑड इवन का सिस्टम भी हटाया गया है। सरकारी दफ्तर 50% अक्षमता के साथ अब खुलेंगे, सिनेमा हॉल भी 50% अक्षमता के साथ काम कर सकेंगे। ये बड़ी जानकारी। शादी समारोह में 200 लोगों को आने की इजाजत दी गई है, तो कोरोना के मामलों में जिस तरह से कमी देखी जा रही है, उसके बीच ये बड़ा फैसला डीडीएमए की बैठक में लिया गया। ग्राफिक्स के जरिए जानिए किस तरह से फैसला लिया गया है। दिल्ली में सिनेमा हॉल खुल सकेंगे, लेकिन 50% अक्षमता के साथ, 50% अक्षमता के साथ अनुमति दी गई है सिनेमा हॉल को खोलने की। सरकारी दफ्तर भी 50% अक्षमता के साथ कार्य अब कर सकेंगे। हालांकि स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का अभी भी फैसला किया गया, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, तमाम प्रतिबंध अभी भी लागू रहेंगे, लेकिन बड़ी ढील दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू को हटाया गया है, तो साथ ही साथ बाजारों में ऑड इवन का सिस्टम भी हटा दिया गया है। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है, बीते हफ्ते भी मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्ताव दिया गया था, हालांकि उसे ठुकरा दिया गया। अब डीडीएमए की बैठक में फैसला किया गया है, वीकेंड कर्फ्यू को हटाया गया है, और क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं प्रतिबंधों में ढील को लेकर? देखिए बिल्कुल रितेश, डीडीएमए की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। हम बता रहे थे कि सुबह से लगातार की कई बड़े फैसले जो हैं आज की इस बैठक में लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा फैसला ये है कि दिल्ली में जो वीकेंड कर्फ्यू है उसको अब जो है फिलहाल हटा दिया गया है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो दिल्ली में आज लगभग 5000 के आसपास जो है मामले आ सकते हैं, और उसमें जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार जो है डाउन होती हुई नजर आ रही है, और इसी के चलते जो अलग अलग फैसले हैं वो लिए गए हैं। जो दुकान ऑड इवन के हिसाब से चलती हुई नजर आती थी वो भी अब फिलहाल जो है दिल्ली में हटा दिया गया है। फुल फ्लैश तरीके से जो दुकानें हैं, जो बाजार हैं, वो चलते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन जो है तमाम लोगों को करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो तमाम सरकारी जो संस्थान हैं उनको जो है 50% कैपेसिटी के साथ जो है चलाया जाएगा। प्राइवेट दफ्तरों को लेकर हम पहले ही बता चुके थे कि किस तरीके से प्राइवेट दफ्तर जो है पिछली बैठक में जो है 50% कैपेसिटी के साथ खोलने को लेकर जो है चर्चा हो चुकी थी। शादी समारोह को लेकर इस बैठक से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। शादी समारोह की अगर हम बात करते हैं तो अब 200 लोग जो है शादी समारोह में शिरकत करते हुए नजर आ सकते हैं। ये तमाम लोगों के लिए जो है बड़ी जानकारी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो इस बैठक में बड़े निर्णय लिए गए हैं वो सिनेमा हॉल को लेकर लिए गए हैं कि सिनेमा हॉल जो है 50% कैपेसिटी के साथ जो है खुलते हुए नजर आएंगे। पिछले लंबे समय से जो सिनेमा हॉल है वो आज जो है बंद पड़े हुए जो है नजर आ रहे थे दिल्ली में, अगर हम बात करें। इसके अलावा एक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, जो रेस्टोरेंट्स है, जो बार है, उनको भी जो है 50% कैपेसिटी के साथ जो है अब दिल्ली में जो है खोला जाएगा। अब तक अगर हम बात करते हैं तो अभी जो है सिर्फ टेक अवे फैसिलिटी जो है इन तमाम रेस्टोरेंट्स में जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। तो ये कुछ जो बड़े फैसले हैं वो फिलहाल आज डीडीएमए की बैठक में लिए गए हैं। स्पर्श, राहत जरूर दी गई है दिल्ली वासियों को, जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया, बात चाहे ऑड इवन की क्यों ना हो, लेकिन इन राहत के साथ एक बड़ी चुनौती अब ये भी रहेगी कि किस तरह से नियमों का पालन लोगों की ओर से किया जाए ताकि स्थिति आगे ना बिगड़े। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें, अगर लोग कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे तो मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिलेगा, और मामलों में इजाफा देखने को मिलेगा तो जो पाबंदियां हैं वो फिर से जो है दिल्ली में लगाई जा सकती है। हालांकि दिल्ली के लिए राहत भरी खबर सिर्फ यही है कि मामले जो है लगातार गिरते हुए नजर आ रहे थे। जो पॉजिटिविटी रेट एक समय 30% के ऊपर पहुंच गई थी वो लगभग 10% के आसपास जो है पहुंच गई है। लगभग 5000 के मामले पिछले 24 घंटे में आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो हॉस्पिटलाइजेशन की रेट है वो भी जो है एज इट इज जो है बनी हुई है। मसलन अगर बात करें तो 15000 के आसपास दिल्ली में जो बेड है वो जो है उपलब्ध है। टोटल मिलाकर उसमें से 2500 के आसपास जो बेड है वो जो है फिलहाल ऑक्यूपाइड है, और लगभग 13000 के आसपास बेड की बात करते हैं तो वो बेड खाली जो है देखने को मिल रहे हैं। इसी के चलते जो है दिल्ली सरकार लगातार ये कहती है कि अभी फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, तमाम जो सुविधाएं
सुविधाएं हैं दिल्ली सरकार ने जो है पूरी तरीके से बना रखी है, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन जो है तमाम लोगों को करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो तमाम पाबंदियां जो है फिर से लगाई जा सकती है। न केवल पाबंदियां बल्कि जो जिला प्रशासन है दिल्ली का उसको भी जो है सख्त ये निर्देश दिए गए कि कहीं पे भी किसी भी प्रकार से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं होता है जो है कार्रवाई। एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन बहुत जरूरी है, पाबंदियां ज्यादा दूर नहीं है, नियमों का पालन करना इसलिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के हालातों में राहत के मद्देनजर ये बड़ा फैसला दिल्ली में किया गया।